इंडोनेशिया में जारी 18वें एशियाई खेलों में पाकिस्तान का हाल काफ़ी बुरा है। जी हाँ, बता दें कि खेलों में हमारा चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान एशियाई खेलों में अभी तक पिछड़ा हुआ है। इन खेलों में 10 दिन की खेल स्पर्धाएं पूरी हो चुकी हैं और अभी तक उसे यहाँ एक भी स्वर्ण और रजत पदक हासिल नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने अभी तक यहाँ सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल ही अपने नाम किए हैं। इन खेलों में 45 देश हिस्सा ले रहे हैं और अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की बात करें तो एशियाई खेलों की रैंकिंग में वह 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 32वें पायदान पर काबिज है। पाकिस्तान को यह 3 ब्रॉन्ज मेडल जेवलिन, महिला कराटे और महिला कबड्डी टीम से मिले हैं। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के नदीम अरशद, कराटे में नरगिस और महिला कबड्डी टीम ने ये 3 मेडल दिलाए हैं। इन खेलों में अगर भारत की बात करें तो अभी तक भारत 9 गोल्ड के साथ प्रतियोगिता में 8वें स्थान पर बना हुआ है। भारत ने अब तक कुल 50 पदक, 9 स्वर्ण, 19 रजत और 22 कांस्य अपने नाम किए हैं। इन खेलों में चोटी के 3 देशों की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर पहले पायदान पर 99 गोल्ड कुल 212 पदक के साथ चीन, 45 गोल्ड कुल 147 पदक के साथ जापान दूसरे और 32 गोल्ड कुल 119 पदक के साथ दक्षिण कोरिया तीसरे पायदान पर मौजूद है। इन खेलों में भारत से आगे दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ईरान, चीन, ताइपे और उत्तर कोरिया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।